लोकतंत्र खतरे में है, हम काफ़ी समय से ये बात सुन रहे हैं। CAA, NRC, किसानों का प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को ही छीन लेना, इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को करोड़ों का चंदा देना और वो चंदा भी सबसे बड़ी लाभार्थी एक ही पार्टी को मिले, विपक्षी दलों को ED, CBI का डर दिखा के एक एक करके चुप करा देना, क्या ये सब लोकतंत्र के खतरे की निशानियाँ नहीं हैं? यूँ तो विरोध और लोगों को जागरूक करने के बहुत अभियान होते हैं, लोग लिखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जागरूकता अभियान करने का तरीका कुछ अनोखा ही होता है। ऐसे ही एक शख्स से हम आज बात करेंगे जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए पूरे देश में पैदल यात्रा करने की ठानी। इस यात्रा के तहत वो कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से त्रिपुरा तक का सफ़र उन्होंने तय किया। आइए उनसे, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उनकी यात्रा के अनुभव। उनका नाम है नागराज कुलकटकर। नागराज, ई दिना में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या सोच के आपने इस पाद यात्रा की शुरुआत की? क्या आपके मन में चल रहा था? आपको क्यों लगा कि ये करने की ज़रूरत है? आपका जो ये आपने नाम दिया है सेव डेमोक्रेसी और मिशन 2024, कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, ये जो यात्रा है सेव डेमोक्रेसी मिशन 2024, मिशन 2024 इसलिए रखा कि अगर हमने जो अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र, कुछ भी बदलाव लाने की अगर एक वक्त होता है देश की जनता के हाथ में, मतलब में मौका मिलता है, वो चुनाव होता है। तो चुनाव के ज़रिए हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और जब भी अगर वो लोग सरकार जनविरोधी नीतियाँ लेके आते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं तो जनता आवाज़ उठाती है। तो उस आवाज़ को दबोचने की जब वो सरकार काम करती है, वो तब ये प्रजातंत्र, आपने जो बोला प्रजातंत्र कब खतरे में है, तो खतरे में आ जाता है। तो ये सोच के मैंने ये इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स ये 10 साल में जो देखे हैं भाजपा जो नेतृत्व, मोदी नेतृत्व सरकार में कुछ ऐसे ऐसे पॉलिसीज लेके आते हैं, जब जन विरोध आता है तो वापस लेता है, और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तब आवाज़ दबोचने की काम करते हैं। जब उनके सरकार की जो मिनिस्टर हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जब कोई आवाज़ उठाता है तब भी दबोचने की काम करते हैं। वो आम जनता को भी नहीं छोड़ा है, पत्रकार को भी नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। अभी का तो हम देखते हैं CM लोगों को भी अंदर डाल रहा है, मतलब ये सारे डिक्टेटरशिप जो बोलते हैं ना, वो उसका वो लक्षण है। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको चुनाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ये डिसाइड किया कि जनता को जागरूक करते हैं। तो जनता क्या कर रहे हैं आज? पैसा दारू के लिए अपना वोट भेज रहे हैं और जाति धर्म पे वोट कर रहे हैं। तो सोचा कि अभी ईमानदार से वोट करें, ऐसा जो वो लोग सत्ता में बैठे उनको हटाइए जो जनता के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को चुन के आप लोकसभा भेजिए। तो इस यात्रा के दौरान आपके कैसे अनुभव रहे? आप अलग अलग प्रदेशों में गए, अलग अलग भाषाएं हैं वहाँ पे, आपको कहीं भाषा की तकलीफ़ हुई या कुछ और अलग तरह के कुछ अच्छे बुरे अनुभव, कुछ वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए अपने अनुभव। हाँ जी, पहला जो है जब मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने लेके सोच लेके जा रहा हूँ मिशन 2024, मतलब चुनाव को, चुनाव का जो टाइम लिमिट है उसको टाइम लिमिट में करने का ये काम है। दूसरा ये सही डेमोक्रेसी, ऑब्वियस है कि जब जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग, उनका जो सपोर्टर्स होते हैं वो लोग आके बहुत दिक्कत किया, आप सही डेमोक्रेसी ऐसे लेके आप क्यों अपना मोदी का नाम बर्बाद कर रहे हो, ऐसे से बहुत सारे आर्गुमेंट्स बहुत सारे हुआ है रास्ते में। मेरा कहना है कि मैं तो कभी कहीं पे भी मोदी का नाम नहीं लिया है और सरकार का भी नाम नहीं लिया है,
भाजपा का नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ चुनाव में आप अपना वोट पैसा दारू या कोई भी चीज़ के लिए ना भेजें और जाति धर्म पे वोट ना करें और ये भ्रष्टाचारी संप्रदायवादी और ये जो अपराधी जो होते हैं उनको वोट ना देना। क्योंकि आपने पूछा एक भ्रष्टा ये जो डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र को किससे कतरा है, ये तीन लोगों से कतरा है, करप्ट कम्युनल एंड क्रिमिनल, ये चारों लोगों को आप सत्ता से दूर रखना, ये मेरा कहना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और सिर्फ बोलने से नहीं होता है, अगर जब तक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं है लोग किसको वोट करेंगे, ये मेरा प्रश्न नहीं, ये जनता ही पूछती है। नागर जी आप अच्छा बात बोल रहे हैं, तो अल्टरनेटिव कहाँ है इनके लिए, इसलिए मैं दूसरा और एक विचार बोल रहा हूँ जो तो जनता के बारे में सोचता है, ऐसा लोग मिल के एक फोर्स बन के खड़े हो जाना, तब तक ये लोग तब आप बदलने के लिए तैयार, जनता तैयार है लेकिन फोर्स नहीं है ना अल्टरनेटिव। आपने बताया कि आप किसान आंदोलन में भी आपने ऐसी ही पादयात्रा की थी और उससे पहले भी आप अलग अलग मुद्दों पे लोगों के साथ जुड़ते रहे हैं, आंदोलनों में जुड़ते रहे हैं, तो आप थोड़ा अभी रिसेंट जो पिछले एक दो सालों में जो आपके यात्राओं के अनुभव हैं थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, क्यों आप किसान आंदोलन के फेवर में आपने पादयात्रा की? ओ किसान आंदोलन, देखिए उससे पहले मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट है बागलकोट उधर ग्राम वास्तव्य जो बोलते हैं जो ग्रामीण भाग जो है उधर का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस एजुकेशन हेल्थ बहुत सारे चीज़ समझने के लिए मैंने यात्रा किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि एक टेस्ट केस लेके तब मुझे लगा कि आप अगर रूरल इंडिया को आप मतलब सोशली इकोनॉमिकली आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उनका जो मेजर जो एक्टिविटी है फार्म एक्टिविटी उससे जो उनको इनकम आता है उसका आप गारंटी देना। वो गारंटी क्या है कि गारंटी सरकार का छोड़िए, तो नेचुरली जो है जब बहुत बारिश आता है तो फसल ख़राब हो जाता है, जब बारिश नहीं होता है जो उगाता है वो फसल नहीं आता है तो वो लॉस में आता है, उसके लिए आप सॉल्यूशन देना। अगर फसल आ रहा है उसके लिए सही दाम देने के लिए आप ठीक है उनका उसको कानून का जो सिक्योरिटी चाहिए वो दे देना, जो आप आज का नहीं 100 साल से जो डिमांड है MSP देना। अगर फसल लॉस होता है बारिश की वजह से या ड्राउट की वजह से आप उनको कंपेंसेशन देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है ये मैं मानता हूँ। इसलिए ये मेरे दिमाग में था अनुभव, तो जब इन्होंने उसी के साथ जो फार्म लॉज लेके आए उसमें मैंने दो चीज़ क्योंकि आपने पूछा उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही डिज़ास्टर था, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इंडियन कंटेस्ट के लिए सूट नहीं होता है, क्योंकि उसके जरिए क्या होता है जब कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लेके तो ऑब्वियसली दे विल यूज हैवी मशीनरीज, तब क्या होता है अभी जो गांव में जो लेबर्स है फार्म पे डिपेंड हुआ जो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वे और ऐड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त कम है तो वो बोल नहीं सकते। और दो चीज़ें, एक MSP मिलना चाहिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्म इंडियन कंटेस्ट के लिए सूट नहीं होता। किसानों के आंदोलन में भी आप गए, आप लोगों से मिले, आपको किस तरह उन लोगों ने स्वीकार किया, क्या आपसे बातें की, आप अलग अलग नेताओं से भी मिले होंगे इस बीच में? हाँ जी, रास्ते तब तक मुझे किसान लोग पता नहीं थे, तो बहुत सारे लोग बोला कि नागराज ने अकेले सोच लेके निकला है जाने दो, तो मुझे अगर पहले से ही पता तो मैं सबसे मिलता, तो जैसे जब मैं यात्रा निकाला जब पता चला कि बहुत सारे लोग जान पहचान हुए, जब कर्नाटक में भी सपोर्ट किया तो बोले कि जागरूक करना गांव-गांव में सिटीज में अच्छा है, मेरा फोकस था सिटी कॉन्सेंट्रेशन पे, गांव में तो किसान होते ही है वो लोग आते ही है, मेरा फोकस था सिटी सेंटर पे। मतलब क्या कर्नाटका के गांव में लोगों को पता था फार्म लॉस के बारे में और इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? नहीं पता है वो क्या है कि वो लोग इतना ही सोचता है वो ईमानदार से काम कर रहा है किसान, उनको जो फसल का दाम मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, बस इतना पता है।
लॉज के बारे में ये लोग क्या करते उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको, बताने का जिम्मेदारी ये सरकार की होती है। तो उधर का जो MLA हो, MP हो या फार्मर जो एसोसिएशंस होते हैं उनका वो काम होता है समझाने। तो अभी तक आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँची है और अब आगे आप कहाँ जाएंगे? अभी आप बेंगलोर में हैं, हाँ जी, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? अभी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट सब हो चुके हैं और एक्सेप्ट मणिपुर, अरुणाचल एंड नागालैंड। अभी मैं साउथ इंडिया में जा रहा हूँ, साउथ इंडिया में आ चुका हूँ, आंध्रा तेलंगाना हो चुका है, कर्नाटक में है और बाकी है तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी, उसके बाद गोवा, मुंबई, गुजरात, राजस्थान और गुड़गांव होते हुए दिल्ली में जाके ये यात्रा ख़त्म होगा, ख़त्म करेंगे। और अभी थोड़ा इलेक्शन का जो फेजेस है उसके हिसाब से प्लान करते जाएंगे, यात्रा प्लान करेंगे। आपके इस अनुभव के दौरान आप अलग अलग तरह के लोगों से मिले, आपने ये भी बताया कि बहुत लोगों ने आपकी मदद भी की, हाँ जी, और कुछ आपके आप कुछ कुछ जगह पे गए जहाँ आपके बहुत विरोधी भी थे और समर्थक भी थे, आप इसके बारे में इसका कुछ ऐसा एक इंसिडेंट बताइए। हाँ जी, बहुत सारे लोग सपोर्ट किया है, खाने पीने का इंतज़ाम किया है, रहने का इंतज़ाम किया है, सोच के साथ भी सपोर्ट किया है, इधर उधर बैठ के डिस्कशन भी करते थे इस देश में जो भी चल रहा है। आज विरोध भी आया है, जो आप मैंने पहले ही बोला कि जो सत्ता में बैठा है उनके सपोर्टर्स आके पूछते थे आपसे डेमोक्रेसी क्यों डाला है, आराम से घूम रहे हो, आराम से तो मैं थोड़ी घूम रहा हूँ भाई, तो आप मोदी के विरोध में तो आप ही तो आरोप कर रहे हैं, मैं तो किसी के विरोध में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पहले आप सुधर जाओ जनता, पहले आप ईमानदार से वोट करो, मैं ये बोलने जा रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मोदी के विरोध में हूँ तो आपका आपका सोच, मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में पहले सुनो, अगर आप बोल ही रहे हो तो है विरोधी तो क्या बात है। तो आप जहाँ जहाँ जाते थे आप वहाँ लोगों से जो रास्ते में मिलता था सबसे बात करते जाते थे या कुछ सभाएं करते थे, क्या आपका तरीका होता था लोगों से इंटरेक्ट करने का? कुछ कुछ जगह पे सभा भी होते थे, हमारे जैसे एक्टिविस्ट होते हैं अलग अलग सिटी में, पूरा देश में, बड़े सिटी में, छोटे सिटी में, मेरे जैसे एक्टिविस्ट भी होते, वो लोग आते थे, कुछ लोगों को मिलाते थे, उधर भी मीटिंग होता था, इंडोर मीटिंग्स भी होता था और डायरेक्ट पब्लिक। मेरा कैंपिंग थोड़ा अलग था, अगर मैं सपोज़ कोई सिटीज में जा रहा हूँ, सिटी का जो मेजर स्ट्रीट्स होते थे जहाँ हज़ारों लोग घूमते हैं, उधर मैं पूरा कैंपेन कर देता था, लोग खुद आके बात करते थे ये सब देख के, अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसे मेरा थोड़ा अलग था, मतलब पब्लिक जंक्शन पे खड़ा हो जाता था। और दो इंसिडेंट्स है, एक अयोध्या का, जब मेरा यात्रा अयोध्या में एंट्री हुआ तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग क्यूरियस थे कि मैं अयोध्या, मेरा शेड्यूल नहीं था, यूपी वालों ने ही बोला कि आप अयोध्या होके जाइएगा, तो मैं गया अयोध्या में, तो उधर राम मंदिर जो उद्घाटन का जो जनवरी में शेड्यूल था, मैं दिसंबर में एंट्र किया था, तो जैसे ही एंट्री किया तो लोग हैरान से देख रहे थे कि हम तो इसको तैयारी में है, ये से डेमोक्रेसी लेके अपने सिटी में घुस गया। तो सच बोले तो एक आदमी भी मुझसे बात नहीं किया, तो उसमें से एक बंदा आके पीछे से गाड़ी से धक्का देके मेरे साथ झगड़ा किया, आप सेव डेमोक्रेसी क्यों डाला है, आप मोदी के विरोध में हैं, मोदी के बारे में गलत ये कर रहे हो, कैंपेन कर रहे हो। मैं बोला अरे भाई पहले ये बता दो यात्रा कौन कर रहा है, मैं बोला आप कर रहे हैं, तो मुझसे पहले पूछे ना मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो अपने आप सोच के आ गया, पीछे धक्का मार दिया, ये गलत बात है, आप जो कर रहे हैं ना इसी की वजह से मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, बोला मैंने। तो वैसे ही लोगों ने आके हमको मतलब उसको भेज दिया, तो आप जाओ अभी कुछ मत करो इधर दिक्कत हो जाएगा। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके साथ और अयोध्या का जो ट्रस्ट है वो सब मिला के, उधर रामकथा पार्क है अयोध्या में, उधर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, कवि गोष्ठी है सोशल एक्टिविस्ट का, मुझे उधर लेके गए, और जैसे ही लोग मेरा गाड़ी का बैनर सब देखा तो बोला कि आपको हम सम्मान करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए, तो उधर भी मेरे को सम्मान करने के वास्ते डिस्कशन चालू हुआ कि उसको करना है कि नहीं करना है, उधर भी दो टीम बन गया, एक्चुअली होना नहीं चाहिए, उधर बोले कि वो मोदी के विरोध में है,
हम उसको नहीं अलाउ करेंगे स्टेज पे। तो और एक टीम था, बोला कि इन्हें हम करके ही छोड़ने वाले हैं। तो उधर पूरा सभा का दो टीम बन गया, एक नागराज के फेवर में तो मोदी के फेवर में। तो ऐसे हुआ है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगह ऐसे हुआ है। आपने एक जगह ये भी बताया कि आपको किसी ने मदद में आपकी, आप पैदल क्यों चल रहे हैं पूरे देश में, आपको स्कूटर दे दिया। हाँ जी, वो हरिद्वार में इधर से तो हमारा पैदल गया और गाड़ी से जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो जाके दिल्ली, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड होते हुए, मैं हरिद्वार होते हुए ऐसे मेरठ होते हुए लखनऊ जा रहा था। हरिद्वार गंगा घाटी पे बैठा था तो एक फैमिली ने आके देखा, बोला कि क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं भी करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, तो आप दिल्ली आ जाइएगा, हम आपको गाड़ी देना चाहते। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी वो लोग छोड़ा नहीं। अपना जो 80,000 का ई स्कूटर है उन्होंने डोनेट किया। अच्छा। आप अभी पैदल मत जाइएगा, देश बहुत बड़ा है, ये गाड़ी लेके आप घूमिएगा। तो बहुत मदद हुआ उस गाड़ी का। उस वो ठंड मौसम था, पूरा खोवा छाया रहता था, लगेज भी बढ़ गया था, मेरे को जाना मुश्किल था। वो पूरा कैंपेन में यूज़ किया है मैंने गाड़ी को। आपके इस पूरी यात्रा में आपको लोगों को करीब से समझने का मौका मिला, कई जगह आप जहाँ रात को रुकते थे, कभी मंदिरों में, कभी कुछ आश्रम में, कभी ऐसे ही घाटों पे, पेट्रोल बंक पे, तो आपको लोग आप पे एक न्यूट्रल तरीके से आके आपसे बात करते थे। आपको क्या, अगर आप संक्षेप में बस बताना चाहें कि आपको क्या इंडियन मानसिकता को समझने का एक मौका था, क्या समझें आप उससे? हाँ जी, ये मेरा कैंपेन था कि वोट नॉट करप्ट कम्युनल क्रिमिनल, सोशियो पॉलिटिकल कैंपेन था। और साथ में मेरे को ये भी एहसास हुआ कि देश में इंसानियत अभी जिंदा है, तो इंसानियत की तरफ डिस्कस तो करते थे हर चीज़। जब रात को खाना सोना की बात आते थे तो सब इंसानियत की तौर से सभी लोग, बीजेपी वालों ने भी मुझे अपने अपने घर में दिया है। पॉलिटिक्स को अलग बात है, आ जाइए हमारे घर में रुकिए, तो कांग्रेस वालों ने किया है। तो बात अच्छा लेके जा रहा हो, किसी का भी हो, क्या है, सब लोगों ने किया है और पॉलिटिक्स भी हुआ है। तो कुछ लोग बोलते थे कि पेट्रोल बंक में आप चार्ज करने के लिए जाता था, जो सब पढ़ते थे बोलते थे आप मोदी के खिलाफ हो, 5 मिनट चार्ज लगा लो। वो मेरे साथ खिलवाड़ करते थे। तो मैं बोला अरे भाई, मैं देश भर में निकला हूँ, बुद्धू थोड़ी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका 5 मिनट। मैं आगे निकल जाता था तो दूसरी जगह पर लगा, वो भी हुआ है, थोड़ा बदतमीजी किया है लोगों ने। नागराज कालकुटकर पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के पिछले 1-1.5 साल से वो पूरे देश भर में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कम से कम ये हो कि लोगों के विरोध करने का अधिकार उनके पास रहे, आवाज़ उठाने का अधिकार लोगों के पास रहे। इसी तरह की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें edina.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು edina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.